बागमारा के तेतुलमारी कोल डंप के लंबे समय से चल रहे विवाद को लेकर आज डंप के असंगठित कोयला मजदूरों ने तेतुलमारी काटाघर के समीप एक विशाल सभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व पेयजल मंत्री जलेश्वर महतो और पूर्व भू राजस्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो ने भी मजदूरों के समर्थन में सभा को संबोधित किया। वहीं बांसजोड़ा वेस्ट मोदीडी निचितपुर कोल्डम के हजारों मजदूरों ने भी सभा में भाग लिया। मंच से संबोधन के दौरान वक्ताओं ने तेतुलमारी कोल्डम में व्याप्त समस्याओं के लिए बीसीसीएल को जिम्मेवार बताते हुए कहा कि रैयतों की जो भी मांग है उसे बीसीसीएल प्रबंधन जल्द निष्पादन करे। इसी समस्याओं का खामियाजा यहाँ के कोयला लोडिंग मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही यहाँ के मजदूरों को एकजुट रहकर प्रबंधन और माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही। वहीं प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 6 तारीख की घटना में तेतुलमारी थाना के पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। घटना के बाद पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई वो मजदूरों के विरुद्ध है। मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए हर लड़ाई लड़ी जाएगी। अब बागमारा में मजदूर एकजुट हो गए हैं, रंगदारों का भागना होगा नहीं तो मजदूर अब भगाएंगे। ये विशाल आम सभा मजदूरों की एकजुटता की पहचान है। जो आंदोलन करते आए हैं, सबसे पहले इस आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। नहीं आया कि भाई मजदूर अपना कमाई खा रहा है, हमको उससे क्या मतलब, रोजी रोजगार चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। बीच बीच में आप लोग का जो असुविधा जब से हुआ तब से एक आध बार हमसे लोगों ने भेंट भी किया है। प्रशासन न्याय करे और जो मजदूरों के ऊपर गोली चला बम चला उसकी कार्रवाई होना चाहिए। कौन लोग हैं, क्यों गोली चलाया, क्यों बम चलाया? मजदूर तो गोली नहीं आया था, जैसा कि वो मजदूर लोग थे हम लोग खड़े थे और हम लोग कोई बम को गोली चला। ये इस राज्य में ये तो जंगली राज कहा जाएगा। कानून का राज है कि नहीं, कानून का राज स्थापित है कि नहीं, कानून का चले कि कब तक ये कानून जंगल राज समाप्त होगा, कानून का अधिकार यहाँ पे लगे साबित होगा, उस पर बताएंगे। देखिए अभी जो है यहाँ तेतुलमारी मोदी जी में नजर है स्कूल तो मुल्का जो है यहाँ जो नगर कोला पर है, ये कोला जो जिस ढंग से मजदूर खड़े हुए हैं बटे हुए हैं उनको विश्वास है कि यहाँ जो है आपका जंगल राज नहीं चलेगा, ये कानून का देर से ही सही, लेकिन निश्चित तौर पर